आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल नोटबुक के सॉल्यूशंस देखेंगे। सो ये है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल नोटबुक। इस नोटबुक को आपको आपके पास के स्टेशनरी की दुकान से खरीद लेना है। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको आपके नेम और बाकी सारे डिटेल्स को भर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अपैरेटस की तरफ। ये जो सभी अपैरेटस है, इसके बारे में आपको डिटेल्स आने वाले सभी वीडियोस में मिलेंगे। हम एडुकेटर्स इस यूट्यूब चैनल पे एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं आज के इस वीडियो से, जिसमें हम आपके क्लास 10 के सभी प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस के वीडियोस बनाएंगे हर एक चैप्टर के लिए। सो आपको सभी वीडियोस मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएं। यहाँ पर सर्टिफिकेट का पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फिलहाल मत भरिएगा। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का नंबर और बाकी चीज़ें इसमें डालनी होती है, इसको एम्प्टी रखिएगा, ये आपको बाद में प्रैक्टिकल्स को सबमिट करते वक्त स्कूल में लगेगा। इसके बाद है इंडेक्स का पार्ट। अभी जो इंडेक्स का पार्ट है, इसको मैं पूरा भर के, वन सभी वीडियोज़ हो जाए, इस पूरे इंडेक्स के पार्ट को भर के इसका एक फोटोग्राफ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, वो एब्सोल्युटली फ्री है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल नंबर 1। इस प्रैक्टिकल का एम है टू आइडेंटिफाई द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस फ्रॉम द गिवन सॉल्ट्स। अब इसके बाद इसमें आता है अपैरेटस और केमिकल्स। उसके बाद बढ़ते हैं फिगर की तरफ। फिगर में आपको तीन बेसिकली केमिकल्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो केमिकल है, केमिकल ए, इसमें आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। सेकेंड जो केमिकल बी है, उसमें आपको लाइट येल्लो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जो थर्ड केमिकल है, उसमें आपको एक ब्राइट येल्लो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और उसके बाद आपको लिखना है कि ये तीनों भी केमिकल्स को कौन से अपैरेटस में रखा गया है, जो है टेस्ट ट्यूब। इसके बाद बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। आपको इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को लेना है और उसके बाद उसमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड डालना है, ए बी और सी में अलग अलग। उसके बाद आपको सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है और इस पूरे चीज़ को अच्छे से स्टर कर लेना है। अब बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशंस की तरफ। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के रिएक्शंस लिखे गए हैं। टेस्ट ट्यूब नंबर ए में का रिएक्शन है KCl plus AgNO3 which gives KNO3 plus AgCl, जिसका कलर है वाइट और इसमें क्लोराइड आयंस बनते हैं। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन नंबर बी, जो टेस्ट ट्यूब नंबर बी में रखा गया है। इसमें आपको दो रिएक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले है K2CrO3 plus BaSO4 gives BaCrO4 plus K2SO4 और सेकंड रिएक्शन है KBr प्लस AgNO3 विच गिव्स KNO3 प्लस AgBr। अब AgNO3 क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसका आंसर इस पर्टिकुलर पेज में भी लिखा है और जो भी सही जवाब देगा उसको एक हार्ट मिलेगा चैनल की तरफ से। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब सी में पहले लिखा गया है 2HCl plus Mg विच गिव्स MgCl2 plus H2 और Ki plus AgNO3 gives KNO3 plus AgI और उसका जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर है ब्राइट येलो। लाइट येल्लो जब प्रेसिपिटेट बनता है तो आपको ब्रोमाइड आयंस मिलते हैं और ब्राइट येल्लो जब प्रेसिपिटेट बनता है तो आपको हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं इन्फ्रेंस या कंक्लूजन की तरफ। इसमें दो कंक्लूजन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, थर्ड कंक्लूजन आपको खुद से लिखना है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई और कंक्लूजन इसके बारे में पता चलता है या ऑब्जर्व होता है तो वो भी आप जरूर लिख सकते हो। सबसे पहला कंक्लूजन है कि आयंस आर प्रेसिपिटेटेड इन ऑल द थ्री एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड कंक्लूजन इज दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द हैलोजन फैमिली विच इज द 17th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल शो सिमिलैरिटीज इन दियर प्रॉपर्टीज। और उसके बाद थर्ड कंक्लूजन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये जो रिएक्शंस है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं MCQ के क्वेश्चंस की तरफ। अब ये जो MCQ क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं बिकॉज ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सो इनको इंपॉर्टेंस देना और अच्छे से सॉल्व करना। आपको आंसर को टिक मार्क भी करना है और उसको लिख भी लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द हैलोजन ग्रुप इज, और इसका आंसर है फ्लोरीन। थर्ड क्वेश्चन है द हैलोजन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, सो ब्रोमीन इज द हैलोजन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फोर्थ क्वेश्चन है द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डैश इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिफ्थ क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स डैश इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वैलेंसी इंक्रीजेस। सो आपको टिक मार्क भी करना है और आंसर को लिख भी लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड एक्सप्लेन द ग्रेडेशन इन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फैमिली। अब जो भी आंसर्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेने हैं और एक बार अपने टीचर्स को पूछ लेना कि आप पेन से आंसर लिख सकते हो या नहीं, बिकॉज कुछ टीचर्स का मानना होता है कि पेंसिल में आंसर लिखे जाए और फाइनली पेन में राइट डाउन किया जाए। तो ये बात आपके टीचर से पूछ लेना बिकॉज हर एक टीचर का ओपिनियन वेरी करता है।
सबसे पहला क्वेश्चन, उसका आंसर अब हम देखते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ग्रुप 17 इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन फैमिली एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉन मेटालिक इन नेचर। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से मेंशन करने हैं। Valency of halogens is 1 because their outermost ring has 7 electrons and hence they need 1 electron to complete their octet. For example, Cl2, Fl2, etc. अब बढ़ते हैं second question की तरफ। What are the similarities and properties of elements in the halogen family? So halogen is the 17th group in the modern periodic table. All elements in halogen family have same valency. That is, सबका valency same है और सभी के outermost shells में 7 electrons है। इन चीजों को आपको अच्छे से mention करना है। और काफी सिमिलैरिटीज हैलोजन ग्रुप में आपको देखने मिलेंगी या फैमिली में देखने मिलेगी। उन सभी पॉइंट्स को भी आप इसमें जरूर मेंशन कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को भी पता चले आपका नॉलेज, और आपका नॉलेज भी उससे बढ़ेगा जरूर इस प्रैक्टिस की मदद से। और अगर आप चाहते हो तो उन पॉइंट्स को कमेंट भी करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज इनर्ट गैसेस प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप। अब ये क्वेश्चन को बहुत गलत तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है। बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाई आर इनर्ट गैसेस प्लेस्ड इन द जीरो ग्रुप। So the noble gases or the zero group is formed differently, या फिर उसको zero में इस वजह से रखा गया है because when Mendeleev formulated the periodic table, noble gases were not discovered. So the reason is कि जब Mendeleev ने अपना periodic table formulate किया था तब noble gases discovered नहीं हुए थे। So अलग से periodic table में zero group बनाया गया Mendeleev के ताकि noble gases को उसमें place किया जा सके। और इसी के साथ आपके practical number 1 के solutions complete होते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 के सॉल्यूशंस और आने वाले सभी प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस फॉर महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हम इस आने वाले सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से मिल जाएगा। ये पूरी सीरीज आपको कैसे लग रही है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस बनाता रहता है ताकि आपके 10th और 12th की जर्नी काफी आसान हो सके। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस के लिए नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।